वेलकम फ्रेंड्स, आज की सेशन में हम लोग गियर की डिजाइनिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एक गियर को डिजाइन करने में बहुत सारे पैरामीटर्स की जरूरत होती है, जिनमें मॉड्यूल, पिच, सर्कल, डायमीटर आदि शामिल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जो एक गियर प्रोफाइल को स्पेसिफाई करते हैं। तो गियर प्रोफाइल दो तरीके के होते हैं, इन्वोल्यूट प्रोफाइल, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये इन्वोल्यूट प्रोफाइल है, और एक साइक्लोइडल प्रोफाइल। तो यहाँ पे हम स्पर गियर इन्वोल्यूट प्रोफाइल की डिजाइन करेंगे, यहाँ पे क्रियो पैरामेट्रिक में। तो सबसे पहले हम जाने कि सर्कुलर पिच, यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्कुलर पिच क्या है। यहाँ से लेकर के पिच सर्कल डायमीटर से यहाँ से एडजेसेंट टीथ के बीच का डिस्टेंस यानी कि सर्कुलर पिच कहलाता है, और उसका आधा सर्कुलर थिकनेस कहलाता है, पिच सर्कल डायमीटर के अलॉन्ग। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे सर्कल है यहाँ पे। तो पिच सर्कल जो हमारा एक रेफरेंस सर्कल है, उसके नीचे बेस सर्कल, फिर रूट सर्कल, और आउटर जो है वो एडेंडम सर्कल के रूप में जाना जाता है। यहाँ से एडेंडम सर्कल से पिच के बीच का जो डिस्टेंस है उसको एडेंडम बोलते हैं। देखिए यहाँ पे एडेंडम और पिच सर्कल डायमीटर यानी कि पिच सर्कल से लेकर के नीचे यानी कि रूट सर्कल तक के डिस्टेंस को हम लोग डिडेंडम बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिलेट, इसे फिलेट बोलते हैं, और यहाँ पे जो हम रेडियस देंगे उसे फिलेट रेडियस बोलेंगे। इस सरफेस को थ्रू आउट सरफेस को बॉटम लैंड, और यहाँ पे ऊपर वाले को टॉप लैंड हम लोग बोलेंगे। ये फेस विथ है कि कितनी यहाँ पे थिकनेस होगी इस फेस की, वो फेस विथ के रूप में जानी जाएगी। तो यह हुआ कि बेसिक हुआ यह गियर के बारे में कि किस प्रकार से हम कौन कौन से डिफरेंट टर्म्स हैं जिनका यूज करके हम गियर की डिजाइनिंग करेंगे। आइए अब देखते हैं कि क्रियो में किस प्रकार से इसकी हम मॉडलिंग करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम प्लेन मंगा लें, प्लेन आ चुका है यहाँ पे। इसके लिए हमें कुछ इक्वेशंस की जरूरत होगी, यानी कि गियर को डिजाइन करने के लिए हमको कुछ इक्वेशंस की जरूरत होगी, जैसे कि कुछ गिवन पैरामीटर्स होंगे। गिवन पैरामीटर्स के बाद हमें इन्वोल्यूट प्रोफाइल इक्वेशंस यूज करने होंगे। यहाँ पे पैरामेट्रिक इक्वेशंस ये इन्वोल्यूट प्रोफाइल का, फिर कुछ रिलेशंस होंगे यानी कि इन इन तीन का यूज करके हम कुछ रिलेशन यहाँ पे जो है उस रिलेशन में इन सभी का यूज होगा, और एक डिजायर्ड कर्व इसके थ्रू यानी कि इन्वोल्यूट प्रोफाइल यहाँ से जनरेट हो जाएगा। तो आइए थोड़ा नोमेनक्लेचर देखते हैं इसमें कि कौन कौन सा टर्म क्या क्या कहलाता है। यहाँ पे एम है जो मॉड्यूल है, जेड है नंबर ऑफ टीथ है, पी प्रेशर एंगल है। यहाँ पे रिलेशंस में देखिए सी पी यानी कि सर्कुलर पिच, मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिया हुआ है ताकि जब उसे ऐड करेंगे हम वहाँ पे तो ज़्यादा टाइपिंग करने में समय ना लगे। सर्कुलर पिच 3.1514 इंटू मॉड्यूल, ए डी मीन्स एडेंडम, मॉड्यूल के इक्वल है। डी डी यानी कि डिडेंडम 1.25 इंटू मॉड्यूल, आर एफ यानी कि रूट फिलेट 0.38 इंटू मॉड्यूल, आर सी यानी कि रूट सर रेडियस ऑफ सॉरी रूट फिलेट, और ये सॉरी चैम्फर रेडियस रूट चैम्फर सॉरी रूट चैम्फर इट्स नेम रूट चैम्फर 0.18 इंटू मॉड्यूल, टी टी यानी कि टूथ थिकनेस यानी कि यह है सर्कुलर पिच डिवाइडेड बाई टू। ये डी जो है वो पिच सर्कल डायमीटर है यानी कि मॉड्यूल इंटू नंबर ऑफ टीथ। डी बी यानी कि बेस सर्कल डायमीटर, ये डायमीटर यानी कि पिच सर्कल डायमीटर इंटू कॉस ऑफ प्रेशर एंगल। एडेंडम है पिच सर्कल डायमीटर 2 इंटू मॉड्यूल, और ये रूट जो है रूट डायमीटर जो है वो डी माइनस 2 इंटू मॉड्यूल। तो इन सभी चीज़ों का हम यूज करेंगे। क्वेश्चन में आपको बस ये तीन पैरामीटर्स ही दिए रहेंगे कि डिजाइन अ गियर मॉड्यूल इज 5, नंबर ऑफ टीथ इज 24, पी मे बी 22 डिग्री, 20 डिग्री, 14.5 डिग्री, ये ज़्यादातर यूज की जाती है इन सारे चीज़ों को। तो आइए हम देखते हैं कि इसकी डिजाइनिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे टूल्स में जाकर के पैरामीटर्स देने होंगे। तो पैरामीटर्स ऐड करेंगे हम, यहाँ पे हमें तीन पैरामीटर्स ऐड करेंगे। तो पहला पैरामीटर है मॉड्यूल, यहाँ पे मॉड्यूल जेड नंबर ऑफ टीथ, और ये प्रेशर एंगल, ये रियल नंबर में ही है तो रियल नंबर में ही रहेंगे। यहाँ पे मॉड्यूल 5 इस्तेमाल करेंगे हम अभी, यहाँ पे नंबर ऑफ टीथ 24
और प्रेशर एंगल से 22 डिग्री, तो इस तरीके से हो गया, इसे कर देंगे ओके। फिर यहाँ पे चल के हम रिलेशन देंगे, तो रिलेशंस को मैंने यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है यहाँ पे रिलेशन, तो मैं यहाँ से यहाँ इतना दूर तक कॉपी कर लेता हूँ उसको, और कॉपी करने के बाद इसे वहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे आकर के मैं यहाँ से पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद इसमें कोई इरर तो नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम यहाँ से वेरीफाई बटन यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखा रिलेशन सक्सेसफुली वेरीफाइड, इसे कर देंगे ओके। अब चलते हैं मॉडलिंग की तरफ, तो मॉडल में फ्रंट प्लेन को मैंने सेलेक्ट किया है स्केच के लिए, मैं देता हूँ, और यहाँ पे स्केच व्यू के लिए, तो हमें जो भी सर्कल हमने बनाई हुई है उस सारी सर्कल यहाँ पे हमें बनानी है फिर से, यानी कि डी एडेंडम सर्कल में पहले लेता हूँ डी ए, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे डी ए पिच सर्कल डायमीटर है, इस तरीके का पिच सर्कल डायमीटर, यहाँ पे डी बी यानी कि बेस सर्कल डायमीटर, और इसे करते हैं हम डी आर यानी कि रूट, या इस तरीके से हो चुका, इसको हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम चलते हैं डाटम में, डाटम में मुझे इन्वोल्यूट कर्व बनानी है, तो इन्वोल्यूट कर्व के लिए हमने इक्वेशन यूज करना है, यहाँ पे कर्व में इक्वेशन, इक्वेशन में देख सकते हैं हाईलाइटेड है रिफरेंस, यानी कि सबसे पहले इसको रिफरेंस चाहिए कि कौन सा रिफरेंस, यानी कि तीनों प्लेन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो कौन सा प्लेन है, यहाँ पे पीआरटी क्रिस्टल डीबी, यहाँ पे मैंने इसे सेलेक्ट किया, यहाँ पे रेड हट गया, यानी स्पेसिफाई करता है कि ये आपको पहले सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आता है कि आप कौन सा इक्वेशन यूज करना चाहते हैं, तो इक्वेशन में हमने इन्वोल्यूट कर्व की इक्वेशन यहाँ पे पहले ही लिखी हुई है, ये इस तरीके से है, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद इसे यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं, पेस्ट, फिर वेरीफाई कर लेंगे इसे कि सही है गलत, वेरीफाइड ओके। यहाँ पे अभी तक कर्व नहीं आया हुआ है, कर्व नहीं आया क्यों, क्योंकि उसकी हाइट देनी है हमें, जैसे मैं यहाँ पे 60 देता हूँ और इंटर करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे 60 इंटर करने के बाद इस तरीके से है, मान लीजिए मैं 90 इंटर करूँ यहाँ पे, तो कर्व की हाइट इंक्रीज होगी, देखिए कर्व की हाइट वाई डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, तो मुझे ज्यादा ना लेना है, मुझे 60 लेना है, मैंने 60 लिया और इसे ओके कर दिया, तो इस तरीके से यह हो चुका। फिर चलते हैं स्केचिंग, स्केच करने के लिए इसे इस तरीके से सेलेक्ट कर लेते हैं, या यूज प्रीवियस भी कर सकते थे, स्केच में, स्केच में चलने के बाद हम यहाँ पे रेफरेंस लेंगे, तो रेफरेंस हम सारे रेफरेंस ले लेंगे, यहाँ पे जूम करता हूँ मैं, क्लोज, रेफरेंस करने के बाद हम यहाँ पे पॉइंट लेंगे, पॉइंट लेने के लिए यहाँ पे 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट और 4 पॉइंट हमने यहाँ पे यह रेफरेंस पॉइंट ले लिए हैं, ले लिया हुआ है। रेफरेंस पॉइंट के बाद हम चलेंगे एक सेंटर लाइन लेंगे, सेंटर लाइन, और ये यहाँ से होते हुए पास करेगी इस पिच सर्कल डायमीटर वाले पॉइंट से, फिर एक और सेंटर लाइन लेंगे यहाँ पे, और सेंटर लाइन को रैंडमली ऐसे ही पास कराएंगे, नॉर्मल से इनकी और इनके बीच की एंगल को यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे 90 डिवाइडेड बाई जेड, यानी कि जेड की वैल्यू हमने यहाँ पे 24 ली है, तो 24 इस तरीके से हमने की, और देखिए यहाँ पे आ चुका, देखिए यहाँ पे आया, यानी कि यहाँ पे टॉप लैंड का फॉर्मेशन होने वाला है यहाँ पे, अन्यथा ये जो लाइन है यानी कि सेंटर लाइन कभी कभी इसके अंदर से पास हो जाएगी, तो अंदर से पास हो जाएगी तो यहाँ पे ये टॉप लैंड नहीं बनेगा, यहाँ पे एकदम शार्प एज यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा, शार्प एज का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। अब चलते हैं यहाँ पे, आप यहाँ से स्प्लाइन ले सकते हैं, स्प्लाइन लेने के बाद इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, और थोड़ा सा आगे कहीं ऐसे करके मिडिल माउस बटन क्लिक करेंगे तो ये स्प्लाइन यहाँ पे बन चुका, इसको आप प्रोजेक्शन से भी कर सकते हैं लेकिन स्प्लाइन थोड़ा सा आसान है। सेंटर एंड इन यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, इस तरीके से यहाँ पे क्लिक किए, सेंटर यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया एक पॉइंट और एक दूसरा पॉइंट, इस तरीके से यहाँ पे यह हो चुका। फिर हम दूसरा सर्कल यहाँ पे क्रिएट करेंगे इस तरीके से और इस तरीके से,
दो इस तरीके का हो गया यहाँ पे। अब इसको सेलेक्ट करना है, इस इन्वोल्यूट कर्व को मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया हुआ है, इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पे मिरर एक्टिव है तो मिरर को मैंने क्लिक किया और इस प्लेन के अबाउट इसको हमने मिरर कर दिया। इस प्लेन के अबाउट यह मिरर हो चुका। अब जो एक्सेस पार्ट है उसको हम थोड़ा डिलीट कर लें, जरा इसको डिलीट करना है, इनको डिलीट करना है, इस तरीके से जूम करके केयरफुली आप इसको डिलीट कर लें। जैसे ही आप मिडिल माउस बटन क्लिक करेंगे यहाँ पे शेडेड पोर्शन आ जाएगा, शेडेड पोर्शन आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो है शेडेड क्लोज लूप का एक्टिव है। यहाँ पे जो आई सेक्शन से दिख रहा है तो यहाँ पे शेडेड क्लोज लूप आ गया, मतलब यह सही है। इसको हम कर देंगे ओके। ओके करने के बाद इसे एक्सट्रूड करेंगे, एक्सट्रूड करने के लिए और जो हमको थिकनेस चाहिए वो हम थिकनेस दे देंगे। यहाँ पे मान लीजिए मुझे 20 थिकनेस चाहिए तो मैंने 20 थिकनेस यहाँ पे दे दिया। इसको कर देते हैं ओके। 20 थिकनेस देने के बाद ओके चलते हैं पैटर्न में। कंपोनेंट सेलेक्टेड था इसलिए पैटर्न भी हाईलाइटेड था। एक्सिस देंगे यहाँ पे तो एक्सिस के लिए तो इसे ट्रीट करना होगा। यहाँ पे जेड के जेड एक्सिस को सेलेक्ट करना है, देखिए जेड एक्सिस को अब ऐसे कर देंगे तो एक्स एक्सिस में सेलेक्ट हो जाएगा, ऐसे कर देंगे तो वाई एक्सिस सेलेक्ट हो जाएगा। ध्यान से इसे कंफ्यूज नहीं होना है, जेड एक्सिस को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे बाई डिफॉल्ट 4 आ रहा है तो 4 को हटा करके यहाँ पे जो है नंबर ऑफ टीथ्स यानी कि 24 मैंने ली हुई थी वो, और ये थ्रू आउट 360 डिग्री में आपको 24 बनाने हैं। तो थ्रू आउट 360 डिग्री में यहाँ पे 24 की फॉर्मेशन होगी और उसके बाद से ओके करेंगे। कुछ समय रिजनरेट टाइम यहाँ पे लगेगा। तो इस तरीके से यह हो चुका। अब हमें बेस यहाँ पे बना देने हैं, एक्सट्रूड कर लेते हैं, चलते हैं फिर वैसे ही रिफरेंस ले ले जरा, क्लोज कर दीजिए इसे इस तरीके से। इसे ऐसे कर दिया मैंने क्योंकि मुझे एक सर्कुलर होल भी देनी है यहाँ पे, तो मैं इसे अभी ही बना लेता हूँ। इसको होल मैं 35 का दे देता हूँ यहाँ पे और इसे ओके करता हूँ। इस तरीके से है यह। एक्सट्रूड थिकनेस मुझे 20 देने हैं तो 20 मैंने यहाँ पे एक्सट्रूड थिकनेस दे दिया। तो इस तरीके से यह गियर यहाँ पे तैयार हो चुका है, यह बन के इसको ओके कर देंगे। अगर आप चाहते हैं इसको पेंट कर दें तो पेंट कर दीजिए जरा। इस तरीके से है यह। इसको थोड़ा फ्रेश दिख लिया जाए। इस तरीके से यह हमारा गियर तैयार हो चुका है। इसमें हम अभी और चीज दे सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे फिलेट रेडियस देना होता है यहाँ पे, हम यहाँ पे रेडियस भी दे सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास जो डायग्राम है उसमें स्पेसिफाइड नहीं है इसलिए हम इसे अभी नहीं दे रहे हैं। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।